में हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। केबक सिंह जी सलाहकार संपादक हमारे साथ बने हुए, प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए, पीएन द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ वीरेंद्र भट्ट जी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी के पास, केबक सिंह जी आपके पास आते हैं। जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और प्रमोद जी का कहना था कि कहीं ना कहीं जो उदासीनता देखी जा रही है, प्रचार प्रसार की आप बात कर रहे थे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यदि हम बात करें तो प्रचार प्रसार यदि नहीं भी है तो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया अब इतना ज्यादा लोगों पर हावी हो चुका है कि चुनाव के बारे में जागरूकता ना हो ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है। सारा दिन लोग मोबाइल के साथ रहते हैं और उसके बाद भी जिस तरह की उदासीनता खासतौर से शहरी क्षेत्रों में देखने को मिली है, ऐसे में जो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के प्रति लगाव कम हुआ है। नोटा की यदि बात करें तो नोटा को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस ओर भी अब राजनीतिक पार्टियों से लेकर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि यदि ज्यादातर लोग इस प्रणाली से कहीं ना कहीं विहीन हो चले हैं, नहीं इसमें अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? प्रियंका आपने सही कहा, सोशल मीडिया का जमाना है। पहले जो चुनाव आज से एक दशक पहले होते थे तो ना मोबाइल थे और ना ही टेलीविज़न थे और ना ही कुछ था, प्रसार प्रसार बिल्कुल नहीं होता, अखबार ही छोटे मोटे अखबार होते थे, एक दो बड़े अखबार होते माध्यम होता था। इससे ग्रामीणों को और शहरी क्षेत्रों को जागरूक किया जाता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने से हर व्यक्ति, अब गाँव के लोगों के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, हर व्यक्ति मोबाइल पे लगा रहता है, सुबह शाम तक पत्नियां गृहणियां यहाँ तक बच्चे तक लगे रहते हैं। तो जागरूकता जो तो बढ़ाई गई, जागरूकता सोशल मीडिया ने तो बढ़ाई है, लेकिन चुनाव आयोग को इसमें पहल करनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहल करनी चाहिए, शहरी क्षेत्रों में पहल करिए। जैसे कि प्रमोद जी ने कहा कि अब चुनाव से जो पढ़ा लिखा वर्ग है अपने को अलग रखना चाहता है, क्योंकि उसका उसका मानना है कि भाई चुनाव होगा, ये जीतेगा वही पद पार्टी का अपनाएगा, वही नेतागिरी करेगा, वही हम लोगों का शोषण करेगा, और जो पढ़ा लिखा वर्ग ये सोचता है, इसलिए वो भी वोट मतदान में भाग नहीं लेता है, और लेता है तो नगण्य लेता है, ना के बराबर लेता है। और हालांकि ये मतदान करना ये अधिकार है मतदाता का, उसका संवैधानिक अधिकार, उसको मतदान करना चाहिए, लेकिन ये पहले जैसे मैं कह चुका हूँ, फिर भी एक जागरूकता का अभियान है, इसको गोष्ठियाँ होनी चाहिए थी जिलाधिकारियों को, चुनाव आयोग को उसको पहल करनी चाहिए, लेकिन चुनाव ने पहल करके बाद में जिला अधिकारियों को लगा, ये पहले चरण में चुनाव में 60% से कम वोटिंग है, तो जिला अधिकारियों को लगा कि हाँ इसको जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अब उन्होंने जागरूकता बढ़ाई, अपील की, लेकिन उसका जब चिड़िया चुग गई खेत, उसका कोई असर तो होने वाला नहीं है। और मतदाताओं का जो है नेताओं से विश्वास उठ चुका है, उनका मानना है सापा वही आएगी ही करेगी, बीजेपी वही करेगी, और जो भी राजनीतिक पार्टियां आएंगी अपना 5 साल काटेंगी चले जाएंगी, तो इसलिए मतदाताओं का मतदान से मोह भंग हो गया है। प्रियंका को गाजीपुर में भी सुन रहे थे, अलग अलग जगहों में जहां चुनाव होता है उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार मुख्यमंत्री की जनसभाएं हो रही हैं, और अलग अलग जनसभाओं में यदि हम हाईलाइट्स को देखें, आज जिस तरह से बुलडोजर के साथ विकास की बात वो कर रहे हैं, इससे पहले भी सभाओं करते रहे हैं, कहीं पूर्वांचल में चुनाव से पहले वो मंदिर का जिक्र छिड़ते हुए नजर आए, कि आपको लगता है कि स्थानीय मुद्दे हैं लोगों के पास, लेकिन इन तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं इतना बड़ा बना दिया गया है कि कई बार वोटर भी इससे प्रभावित हो और वो कह रहे हैं कि ठीक है स्थानीय मुद्दे हैं लेकिन हम वोट तो अपना इसी मुद्दे पर देंगे? प्रियंका मैं पहले कह चुका हूँ, पहले डिबेट पे कह चुका हूँ कि अब इस चुनाव में मंदिर मुद्दा नहीं रहा, और विनय कटियार जो है जो बीजेपी के ब्रांड बड़े नेता हो, मंदिर के पक्षधर कहा जाते हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि इस जो 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसमें मंदिर मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है इनकी विकास, विकास में यही जिंदा रहे कि हमने इतने इतने का निवेश ले आए हैं, इतने एक्सप्रेसवे बना दिए हैं। हाँ, लेकिन ये जो अभी आपने एक सवाल किया कि स्थानीय मुद्दे ना तो बीजेपी उठा रही ना सपा उठा रही है, यही मुद्दे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं कि बेरोजगारी है, और बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, यही मुद्दा उठा रही है मतदाता, ये चीज़ें सुन
करके ऊब चुका है, मतदाता ने मन बना लिया है और वो इस बार का मतदाता बिल्कुल साइलेंट है। वो किसको वोट कर रहा है, वो अपने अपने जैसे कहा जाता है कि ऐसा काम किया है कि एक एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं पहचान पा रहा है कि इस हाथ ने क्या कर। तो मतदाता की भूमिका इस तरह से है, मतदाता किसी अपने मत को जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन मत को जो मतदान हो रहा है चाहे 60% चाहे 59% हो, लेकिन वो साइलेंट मतदान कर रहा है इस समय, वो किसी को जाहिर नहीं होता। पहले चुनाव में होता था, जाहिर हो जाता था कि इतने परसेंट वोट बीएसपी पड़ा, इतना सपा पड़ा, इतना बीजेपी पड़ा, इतना कांग्रेस पड़ा। इस बार साइलेंट मतदाता है, वो किसी को अपने ऐसा मत कर रहा है कि जैसे किसी को मालूम हो, चाहे हमारे संवाददाता टीम जाती हो चाहे और चैनल्स के लोग जाते हैं, ये कोई नहीं बता पा रहा है कि ऊंट किस करवट बैठे रहेगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपके पास आऊंगी अगले सवाल की यदि हम बात करें तो, जिस तरह से केबख्श सिंह जी ने भी जिक्र किया और हम भी इससे पहले कई बार अपने संवाददाताओं से भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि अब प्राइवेसी की यदि बात करें, वोटर की प्राइवेसी की बात करें, तो कई बार मतदान देकर वोटर निकलता है तो पहले खुलेआम पार्टियों का नाम बताते थे, हालांकि अब चैनल्स भी बचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्राइवेसी बरकरार है। उसकी वजह से क्या लगता है आपको कि साइलेंट मतदाता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, और अंदाजा हर कोई लगाने की कोशिश कर रहा है, क्या कोई थाह ले पा रहा है साइलेंट मतदाता की? देखिए, साइलेंट मतदाता तो इस बार बड़ा स्पष्ट है, लगभग 20% वोटर है लाभार्थियों का, जिन लोगों को पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है और 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 महामारी के दौर में लाभार्थी योजना में फ्री खाद्यान्न भी जुड़ गया है, जो प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं, 5 किलो या 5 किलो चावल और बाकी जो है कम मूल्य पे 35 किलो अनाज। तो लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग है जो साइलेंट है, और ये यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि समस्त कल्याणकारी योजनाओं का सभी जातियों को, सभी मजहब के लोगों को बिना किसी भेदभाव के लाभ हुआ है और लाभ पहुंचा भी है। 2 साल में उत्तर प्रदेश के 1-8 जिलों को छोड़ करके कहीं से ये शिकायत नहीं आई कि जो निःशुल्क खाद्यान्न है उसका कहीं पे पीडीएस के दुकानदार या कोठेदार ने कहीं डाइवर्जन किया हो, लाभार्थी तक लाभ पहुंच रहा है। और दूसरी चीज है इस लाभार्थी योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यूपी गवर्नमेंट ने पिछले 4 सालों में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 3,00,000 करोड़ रुपया लाभार्थियों के खाते में सीधा पहुंचा है, 26 विभागों की 134 योजनाओं का पैसा सीधे गया है, इसका लाभ सब मिला है। और बहुत से पोलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जैसी भी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही हो कि उसको चुनौती का सामना है, वो कुछ इलाकों में कमजोर है, या SPRLD का अलायंस हो गया है, पश्चिम यूपी में मजबूत है और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर हैं और या कुछ अन्य दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लग रही है इन्हीं साइलेंट वोटरों के जरिए, इन्हीं जो एक लाभार्थी वर्ग जो तैयार हो गया है। और लाभार्थियों से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले संभावित लाभ के कारण ही समाजवादी पार्टी ने इसकी आलोचना की है। ये जनवरी में कई बार कहा गया कि सरकार एक गुलामी की संस्कृति पैदा कर रही है और एक आज्ञाकारी वोटिंग क्लास बना रही है, और उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की, समाजवादी किचन की योजना की उन्होंने घोषणा की, और अब उन्होंने ये भी कहा है कि वो पूरे 5 साल फ्री में राशन देंगे और सरकार ने केवल 2 साल दिया है। अब उन्होंने 1 किलो घी, 1 किलो तेल और मिल्क पाउडर भी जोड़ दिया है, चीनी भी जोड़ दिया है। तो ये जो लाभार्थी वर्ग है ये अपने आप में यूपी की राजनीति में, देश की राजनीति में एक नई घटना है, जो अब तक राजनीति जो है हमारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जाति धार्मिक अस्मिता के आधार पे होती आई है। अब एक नया वर्ग तैयार हो रहा है, अब कास्ट की बजाय ये देश क्लास पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है और लाभार्थियों को जब इसका लाभ मिल रहा है, जैसे अगर आपको याद हो पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने न्याय योजना की घोषणा की थी, न्यूनतम आय योजना, उसमें साल में 72,000 रुपए प्रति व्यक्ति को देने की बात थी, तो उसी के जवाब में बीजेपी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी।
तो अब जितनी योजनाओं का लाभ मिला है अब तक पिछले 5 सालों में, आपका निःशुल्क आवास है, बिजली कनेक्शन है, LPG है, आयुष्मान भारत है, PM किसान सम्मान योजना है जी, और शौचालय है, और जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनको महीने में 1,000 रुपए मिल रहा है या महिलाओं को 500 रुपए मिल रहा है, तो अब अगर सब इन योजनाओं को जोड़ें तो लगभग ये साल में 50,000 रुपए से ऊपर लोगों को मिल रहा है, और अगर उसमें खाद्यान्न भी जोड़ लें तो ये 80 रुपए हो जाता है। जी बिल्कुल, तो ये एक एक बड़ा वर्ग है जी, जो जी, जी ठीक है, आपके पास आती हूँ वीरेन जी, प्रमोद जी के पास मैं जाना चाहूंगी। प्रमोद जी, जैसे वीरेन जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, साइलेंट वोटर कह ले या लाभार्थी वोट बैंक कह ले, क्लास की जो वो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में अखबार नहीं पहुंचता है, लेकिन ये वर्ग मुखर नहीं है जी बिल्कुल, और हम जर्नलिस्ट हैं या टीवी चैनल के लोग हैं, हम लोग शहरी मुखर वर्ग से बात करके अपनी राय बना लेते हैं, ये देख लेते हैं कि पुरानी पार्टी मीटिंग में कितनी भीड़ आई। ठीक है वीरेन जी मैं आपके पास आती हूँ, प्रमोद जी के पास मैं ये सवाल लेकर जाना चाह रही थी। प्रमोद जी, जिस तरह से हम यहाँ पर लाभार्थी वर्ग की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो मैं तो है ही, उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फ्री की जिस तरह से बातें आ रही हैं, क्या आपको ये लगता है कि सरकारें यदि ये दे रही हैं तो जनता के लिए ये बेहतर कदम आगे के लिए हो सकता है, क्योंकि ये तात्कालिक लाभ तो जरूर मिलता है लेकिन लॉन्ग टर्म लाभ उन्हीं व्यवस्थाओं से, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर से या उन फैक्ट्रीज से मिल सकता है जो उन्हें लंबे समय तक कुछ दे सकती हैं। आप इसे किस तरह से मानते हैं? राजनीतिक पार्टी के लिए तो यकीनन फायदा है, लेकिन वोटर के लिए, जनता के लिए आप इसे कितना फायदेमंद या नुकसानदेह मानते हैं? हाँ प्रियंका जी, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रभावी जोर दिया गया है, और बाकी जो लोगों को प्रलोभन देने वाली, हालांकि समझा ये जा रहा था प्रियंका जी कि आपकी लोकसभा का बजट जो है 5 राज्यों विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए शायद उसमें लोगों को, जैसा कि अमूमन पहले होता रहा है, एक बार नहीं अनेकों बार के जब चुनाव को होता है तो उस समय फिर केंद्रीय बजट जो है वो लालच देने वाला या लोगों को कुछ लॉलीपॉप देने वाला जो बजट कहा जाता था वो अब की बजट नहीं रहा है। हालांकि कुछ मीडिया ने उसकी आलोचना भी की कि लोगों को राहत नहीं मिली, उन्होंने केंद्र सरकार ने, ये एक अच्छी बात है, हालांकि भले ही जिनको लाभ न मिला हो या राजनीतिक नज़रिए से देखें तो वो अपनी जगह दूसरी हो सकती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार का ये अच्छा और दूरगामी परिणाम के रूप मेरा अपना निजी तौर पर मानना है। जी, लेकिन राज्य सरकारें, प्रमोद जी, राज्य सरकारें के मामले में और जो मैंने बात कही है इस मामले में जी, लेकिन प्रमोद जी इसके साथ साथ इस बात का भी पूरी तरह से, इस मामले में मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा योग है जी प्रमोद जी, लेकिन इस बात का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है कि फ्री भी जनता को ले जी। हाँ, मैं, आपने जो बात कही वो उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष में है, मैंने तो ये कॉन्टेस्ट रेफरेंस में ये बात मैंने वहां कही के केंद्र की बात को उल्लेख कर दिया, लेकिन ये जो लाभार्थी है, अब चुनाव में स्थिति ये है कि प्रियंका जी, अब चुनाव को देखते हुए या अपनी खामियों को ढकने के लिए इस ढंग की चीजें होती रही हैं। अगर हम इसको ही, जैसा बीरेन जी ने कहा कि घी दिया गया, तेल दिया गया, खाद्यान्न दिया गया, ये दिया गया, वो दिया गया, अगर इसको ही पैमाना अगर हम मान लें तो हमारे पास ये भी है कि जब 16 तक सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो उसने भी बेरोजगारी भत्ता दिया था, कन्या की शादियों के लिए भी पैसा दिया था, लैपटॉप भी दिया था और लोहिया आवास भी दिए थे। इससे पहले अगर आप चले जाएं तो मेक इन इंडिया की बात हुई थी तो उस समय अटल जी की सरकार थी, तो ये दोनों सरकारें धराशाही हो गई। तो मैं नहीं समझता कि खाली लाभार्थी का योजना से या उसको लाभ देने से ही चुनाव जीता जा सकता है, ये नहीं। अब जनता बहुत चालाक हो गई है, और दूसरे अगर इसको उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखो तो मेरा नजरिया ये है या मेरा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों में उलझ गई है जी। वो जो जातिगत के जो मुखिया होते हैं
वो अधिकांश ठीक है प्रभाव डालते हैं, और इसके 17 का ठीक है उदाहरण भी है। प्रमोद जी, ये पहले भी चले अगला जाए सवाल तो पीएन द्विवेदी जी से लेना चाहूंगी मैं। पीएन द्विवेदी जी, जिस तरह से प्रमोद जी और वीरेन जी दोनों ही कह रहे हैं कि लाभार्थी वर्ग एक तैयार करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है पार्टियों के द्वारा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों में उसके समीकरण के हिसाब से ही चलती आई है अभी तक। क्या ये जो वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही है, पीएन द्विवेदी जी मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, क्या ये जो वर्ग तैयार करने की कोशिश की जा रही है ये उत्तर प्रदेश में काम कर पाएगा? चुनाव में इस बार के नतीजों से पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है क्या आगे आने वाले समय में ये जो क्लास तैयार किया जा रहा है ये अहम भूमिका निभा सकता है? देखिए, इस बार के चुनाव में जो लाभार्थियों की बात हो रही है ये और बार के चुनाव से इतर है, ये बिल्कुल अलग है। इस बार का चुनाव कोरोना के संकट काल के बाद हो रहा है। 2 साल तक कोरोना का संकट काल जो था उसमें देश प्रदेश के तमाम कामकाजी लोग, श्रमिक लोग, उनके सामने भुखमरी की समस्या आ गई थी। ऐसे में जो भी सरकार है उसका यह दायित्व होता है कि वो अपनी गरीब जनता को राहत दे। तो ये इस बार का जो ये अनाज दिया जा रहा है, खाद्यान्न दिया जा रहा है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है, ये एक तरह से राहत का कार्य है। और ये राहत का कार्य लाभार्थी के कार्य, जो पहले अभी जैसा कि गोस्वामी जी बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह का कार्य किया था लेकिन वो रिपीट नहीं कर पाई, लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। कोरोना संकट में जहां भुखमरी के कगार पर मजदूर, श्रमिक, गरीब तबके के लोग आ गए थे, वहां पर सरकार ने 2-2 बार महीने में ये जो खाद्यान्न दिया, ये बहुत बड़ा राहत का कार्य है। ये बहुत बड़ा असरकारी होगा और हो रहा है। ठीक है, केवल और सिंह जी, भट्ट जी, केवल ये जोड़ना चाहूँ प्रियंका जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो मनमोहन सिंह सरकार के समय में आया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो भारत के प्रत्येक नागरिक को या तो न्यूनतम मूल्य पे या निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए और किसी व्यक्ति की भूख से मौत ना हो। ये ठीक सरकार की कानूनी जिम्मेदारी भी है। ठीक है, लेकिन हाँ, जिम्मेदारी तो है लेकिन जिम्मेदारी का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। प्रमोद जी आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले केबक सिंह जी के पास मैं जाऊंगी। केबक सिंह जी, यूपी के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं लगातार, जिस तरह से प्रमोद जी ने भी कहा है कि तमाम पार्टियों ने, तमाम सरकारों ने इससे पहले ये लाभ दिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार में इस बात का प्रचार प्रसार भी ज्यादा किया गया? और क्या आपको ये भी लग रहा है कि ना कहीं पिछली सरकारों की तुलना में इस बार बीजेपी को इसका फायदा ज्यादा मिल सकता है यदि पिछली सरकारों की तुलना की जाए तो? मैं प्रमोद जी ने जो जिक्र किया है, प्रमोद जी ने कई सरकारों का जिक्र किया कि इन्होंने ये योजना चलाई, इन्होंने ये योजना चलाई, लेकिन हमारा मानना है कोरोना, जो कोरोना काल में जिसमें विश्वव्यापी समस्या थी कोरोना कि उस समय तो मुफ्त का अनाज देना मैं उचित समझता हूँ और देना भी चाहिए, क्योंकि उस समय जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, चाहे मजदूर हों चाहे कारीगर हों, ये लॉकडाउन था और उस समय काम नहीं कर सकते थे, तो मुफ्त का उस समय तो देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने किया और करना भी चाहिए। जो भी सरकार होती, चाहे बीजेपी की होती, चाहे सपा की होती, चाहे बीएसपी की होती, उसको करना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी। लेकिन फ्री का सामान देना, फ्री का गैस सिलेंडर देना, फ्री का अनाज देना और तेल देना, घी देना, ये चीजें जो हैं, मैं समझता हूं कि ये जनता को काहिल बनाने वाली बात है। हाँ। जब कोरोना काल समाप्त हो, लगभग समाप्त हो ही गया है, फिर मास्क की बात है, लोग सारे अपने सारे काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी योजना केंद्र सरकार को भी चलानी है, प्रदेश सरकारों को भी चलानी चाहिए, जिससे कि लोग काम करें। अच्छा, जो केंद्र सरकार बांट रही है अनाज या प्रदेश सरकारें बांट रही वो अनाज जो मुफ्त में दे रही हैं, उसका पैसा कहाँ से आएगा? उसका पैसा टैक्स से आएगा, और टैक्स का जो भार किस पे पड़ेगा? उसी जनता पड़ेगा जो मुफ्तखोर बनाया है। तो मुफ्तखोरी की व्यवस्था, जो मुफ्तखोरी की जो व्यवस्था चल रही है, मेरा मानना है, आज मेरे किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी, तो नाम लेना उसका उचित नहीं है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के व्यक्ति हैं, उन्होंने हमको बड़ी तार्किक ढंग से समझाया कि सिंह साहब, अगर हम 1 करोड़ रुपया एक गांव में खर्च करते हैं तो समझ लीजिए कि उसका
एक करोड़ का 1.5 करोड़ हमें वसूलना पड़ेगा, तभी हम भरपाई कर पाएंगे। तो जनता का पैसा फ्री में दे, जो जो फ्री वाली व्यवस्था है इसको हर सरकार को समाप्त करनी चाहिए, मेरा मानना है प्रियंका जी। और इसका चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो फ्री का राशन ले रहा है वो कहता है कि हमें गैस नहीं है कैसे भराऊं, तो उसका विपरीत असर भी लोगों पर पड़ रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकारों को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी यहाँ पर आपके पास आते हैं, केबक सिंह जी का जिस तरह से कहना है कि फ्री का काम नहीं, नेशनल फूड सिक्योरिटी की यदि आप बात कर रहे हैं तो यकीनन भूखे पेट तो किसी को नहीं सोना चाहिए, लेकिन जिस भार की हम बात कर रहे हैं, यदि हम देखें महंगाई को इससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो एक तरफ तो फ्री का राशन तमाम योजनाएं दी जाती हैं, दूसरी तरफ महंगाई पर जो कंट्रोल नहीं हो पाता या जो महंगाई लगातार बढ़ती है, कहीं ना कहीं एक तबके पर वो अधिक से अधिक बोझ डालती है, और ये भी फिर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होता है। तो ये कितना सही है कि एक तरफ आप योजनाओं का लाभ दे रहे हैं एक तबके को, और दूसरे के ऊपर महंगाई के रूप में आप एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं। देखिए, कभी एलपीजी कभी भी फ्री नहीं थी, केवल सरकार ने जो उज्ज्वला योजना के तहत जो एलपीजी कनेक्शन दिए थे लगभग 8 करोड़, उस पर सब्सिडी विड्रॉ कर ली, इसलिए वो महंगे हो गए। और आज अगर एक गैस सिलेंडर 950 या लगभग 1000 रुपए का शहर में है, वही दाम उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए भी है, पहले वो 400 रुपए का था। तो उज्ज्वला फ्री कभी नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये कोरोना का काल है, और पिछले 2 सालों में भारत की इकोनॉमी का जो स्तर 31 मार्च 2020 को था, अभी रिकवरी में हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं। तो ये 2 साल जो है एक तरीके से जीरो इकोनॉमी के हैं, और ये जीरो ग्रोथ के हैं। और जो जो महंगाई की बात आप कर रही हैं, महंगाई तो पहले तो महामारी है, सप्लाई चेन ब्रेक हो गई है, 2 करोड़ लोगों की रोजगार चले गए हैं, बाजार में डिमांड नहीं है, जो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, लेकिन वीरेंद्र भट्टी जी, जिस पेट्रोलियम और डीजल के दाम को बाद में कम किया गया, यदि उसे पहले ही कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखा होता तो शायद ही जो महंगाई बढ़ी है, 200 रुपए लीटर तेल मिल रहा है, वो शायद कंट्रोल में होता। अगर ये दाम जो बढ़े हैं, ये आखिरकार भारत सरकार का जीडीपी और उसके ऊपर कर्ज आज अगर बराबर हो गया है, तो अगर पेट्रोल और डीजल से सरकार की आय हुई है तो देश में ही खर्च हुई है। तो अब तो यूक्रेन वॉर हो गई है, और इस समय जो है क्रूड का ऑयल जो का जो दाम है वो $116 पर बैरल हो गया है, और जैसे वहां समाप्त होगा आप देखिएगा कम से कम 5 से 8 रुपए राइज होगा। जी बिल्कुल, राइज होगा। जी बिल्कुल, वो महंगाई तो और बढ़ी आने वाले दिनों में। अब वही मेरा कहने का मतलब है। जी प्रमोद जी आपके पास आते हो, वीरेंद्र जी यहाँ पर जरूर कई बातें पक्ष में कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल वही खड़ा होता है कि एक तरफ तो हम फ्री में जनता को एक तबके को दे रहे हैं, लेकिन दूसरे तबके के ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं। जिस महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए सरकार की भूमिका, आखिर सरकार ने बाद में पेट्रोल के दामों में कमी की ठीक चुनाव से पहले, यदि उससे पहले कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखा जाता तो क्या आपको लगता है कि 200 रुपए लीटर आज तेल मिल रहा होता? और यकीनन ये परेशानी फिर उस तबके को भी मिलती है जिसको सरकार योजनाओं के द्वारा लाभ लेना चाहती है। उज्ज्वला का सिलेंडर लोगों के पास है, लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। रोज मजदूरी करने वाला व्यक्ति यदि 200 रुपए लीटर तेल खरीदेगा तो किस तरह से खाना खाएगा, ये हम सभी जान सकते हैं। देखिए प्रियंका जी, इन सारी चीज़ों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। अभी द्विवेदी साहब ने एक बात कही कि कोरोना काल में, मैं भी सहमत हूँ, वीरेंद्र जी की भी बात से सहमत हूँ कि वो एक आपातकाल समय था। उस समय जो गरीब तबके हैं, जो बाहर से आए थे, पैदल चल रहे थे, भूखे थे, प्यासे थे, कोई रोजगार नहीं था, ये सरकार का नैतिक दायित्व है, उसने अपना नैतिक दायित्व पूरा किया। जी, जी। मेरा इस पर कहीं आपत्ति नहीं थी। मेरी आपत्ति इस बात पर है कि हमको सत्ता हासिल करने के लिए हम बजाय इसके के पावर प्लांट लगाएं, हम जो है 300 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे,
ये जो सत्ता को हासिल करने के लिए जो ये बांटने की है, और ये प्रियंका जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जहां आप इनको देंगे तो कोई किसी भी सरकार अपने पास से या कहीं कोई घर से तो देती नहीं है, उसका कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से और कहीं और जो टैक्सेस हैं उनसे वसूले जाते हैं, जो मध्यम वर्ग अपर कास्ट उन सब लोग अपर लेवल के लोग उन लोगों की वजह उनके ऊपर फिर वर्डन बनता है। बजाय इसके मैं यही बात, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि चीज़ों को उस ढंग से जो एक सिस्टमेटिक ढंग से चाहिए, खाली सत्ता को हासिल करने के लिए उस दौरान या उससे थोड़ा पहले ये प्रलोभन दे के वोट लेने की कोशिश से देश जो प्रगति आज 75 वर्ष होने आ गए हैं, आप और भी कंट्रीज हमसे बाद में हुए हैं उनकी प्रगति देख लीजिए हमारी क्या है, क्योंकि हमारा राजनीतिक करेक्टर में कहीं ना कहीं बदलाव आया है। बीच में रुकूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है, आप सभी बने रहेगा हमारे साथ। लगातार हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं यूपी के रण छठे चरण में, लगातार ताजा अपडेट के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। आजमगढ़ का जो चक्रव्यूह था समाजवादी पार्टी का, इस बार वो भी भेदा जाएगा? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, जीत 300 से ज्यादा सीटों पर होगी। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। अखिलेश यादव का जेपी के बूथों पे आजकल भूत नाच रहा है, भूत तो उनके दिमाग में इस समय नाच रहा है, क्योंकि भूत पूर्व हो गए है ना, भूत 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 ही रहेंगे और वह कभी अब वर्तमान नहीं हो पाएंगे। अब इस कहिए कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में 2012 से 2017 तक उन्होंने शासन कर लिया। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। मैं धर्म सिंह, मोहम्मदाबाद गोहना, सैदपुर जनपद मऊ। विधानसभा चुनाव में विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद गोहना बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूं और मैं घोषणा करता हूं कि सीजेएम मऊ में मेरे ऊपर पीसीपीएनडीटी एक्ट 23D पीसीपीएनडीटी धाराओं में मामला दर्ज। इसके अलावा मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया, हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आजमगढ़ का जो चक्रव्यूह था समाजवादी पार्टी का, इस बार वो भी भेदा जाएगा? सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, जीत 300 से ज्यादा सीटों पर होगी। सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथों पे आजकल भूत नाच रहा है, भूत तो उनके दिमाग में इस समय नाच रहा है, क्योंकि भूत पूर्व हो गए है ना, भूत 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 ही रहेंगे और वह कभी अब वर्तमान नहीं हो पाएंगे। अब इस कहिए कि श्री मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत के आखिरी सुल्तान के रूप में 2012 से 2017 तक उन्होंने शासन कर लिया।
धर्म सिंह, मोहम्मदाबाद गोहना, सैदपुर जनपद मऊ। विधानसभा चुनाव में विधानसभा 355 मोहम्मदाबाद गोहना, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूं और मैं घोषणा करता हूं कि सीजेएम मऊ में मेरे ऊपर PCPNDT Act 23D PCPNDT धाराओं में मामला दर्ज है। इसके अलावा मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। और आज हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि यूपी का ये छठा चरण आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि जिस कड़ी में आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और छठे चरण के तहत आज वोटिंग हो रही है। अब महज सिर्फ कुछ मिनट बाकी रह गए हैं आज के इस मतदान में, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी और अब शाम 6 बजे के साथ ही मतदान पर रोक लग जाएगी। हालांकि जो लोग पोलिंग बूथों के अंदर एंट्री कर चुके हैं वो अभी भी वोट कर सकेंगे। आज हम इसी को लेकर लगातार बातचीत करेंगे यूपी के रण छठा चरण को लेकर, जो कि महाभीषण नजर आ रहा है। हमारे साथ में मेहमान भी लगातार ने हुए हैं और मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ में के बख्श हैं, सलाहकार संपादक हैं, स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पीएन द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वीरेंद्र भट्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से के न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं के बख्श जी के पास में। आप बताइए बख्श साहब, क्योंकि जिस तरह से आज का जो रण था वो बेहद जो महाभीषण हम कह सकते हैं, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख इस बार दांव पर है, न सिर्फ गोरखपुर विधानसभा की शहर सीट से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 22 के चुनाव को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर सबसे आगे सीएम योगी ही रहे हैं और उन्हीं के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है। तो बक्शॉप के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर सामने आ रही है कानपुर से, उसका रुख कर रहे हैं। अहम खबर कानपुर से, जहां आपको बता दें कि सुतरखाना स्थित मकान में आग लगी है। कानपुर से खबर, मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। 3 मंजिला मकान में नमकीन का गोदाम था और भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर से खबर, आग लगने से मचा हड़कंप, आग में 2 लोग फंसे हुए हैं, इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में सुतरखाना स्थित मकान में आग लगी हुई है। बिल्डिंग में 2 लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं और जो अभी तक निकाले नहीं जा सके। कानपुर से खबर, सुतरखाना स्थित मकान में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र के सुतरखाने का ये पूरा मामला है। आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है और 2 लोग इस मकान में फिलहाल फंसे हुए हैं। 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर इस मकान में नमकीन का गोदाम था और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से भीषण आग का गुबार नजर आ रहा है। दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मकान में आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। बिल्डिंग में 2 लोग फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनको कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। आप देखिए तस्वीरों में धू कर जलती हुई है बिल्डिंग नजर आ रही है और 3 मंजिला मकान में आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि बगल में अगर देखें तो और भी मकान हैं और रिहायशी इलाका ये नज़र आ रहा है इन तस्वीरों में। और देखिए यहाँ पर किस तरह से आग की लपटें इस मकान के बाहर आती हुई नज़र आ रही हैं। 3 मंजिला मकान में नमकीन का गोदाम था और यहीं पर आग लगी हुई है। क्या वजह रही आग लगने की अभी तक सामने नहीं आ पाई है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलराज विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। शैलराज, तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बेहद खतरनाक, बेहद भयानक, क्योंकि आग ने विकराल रूप धारण कर रखा है। क्या वजह रही सबसे पहले ये, और 2 लोग जो फंसे हुए उनको लेकर क्या निकाला गया अब तक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है और आस पास के लोगों की आस पड़ोस की मदद से उन लोगों को निकाला गया है। एक लंबी सीढ़ी की लेकर के चढ़े गए हैं, चढ़ा गया है ऊपर 3 मंजिला इमारत से। 2 लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है, लेकिन आग लगने की वजह अभी तक
तक कुछ सामने नहीं आई है कि किस वजह से आग लगी है, लेकिन जो दो लोग फंसे थे, मैं बता दूं कि जो दो लोग फंसे थे उनको निकाल लिया गया है सही सलामत। ठीक है ठीक है। क्या अभी क्योंकि अभी तक आपने कहा कि आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन क्या आग पर पूरी तरह से काबू पाने में दमकल विभाग की गाड़ियां सफलता हासिल कर पाई हैं? बिल्कुल नहीं, अभी भी मशक्कत जारी है और अभी भी आग पर काबू पाया जा रहा है, लेकिन अभी आग ना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि उसको अभी ठंडा करने में काफी टाइम लगेगा। तीन मंजिला इमारत में जो आग पहले माले पे थी, अब वो तीसरे माले पे जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन ये आग अगल बगल के, क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बेहद व्यस्त इलाका है, यहाँ पर आसपास ही काफी मकान बने हुए हैं, तो दूसरे मकानों को भी अपनी जद में ना ले ले, क्या इसके चलते इलाके में हड़कंप का माहौल नजर आ रहा है? पूरे इलाके में पूरा अफरा तफरी मची हुई है। तीन मंजिला इमारत में जैसे ही आग लगी उसके बाद आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली कराया गया, आसपास होटल भी हैं जिनको खाली कराया गया है, क्योंकि आग इतना विकराल रूप धारण कर लेगी ये किसी को नहीं पता था। ये अब तीन मंजिला इमारत पे आग पहुंच चुकी है और दमकल की गाड़ियां अभी भी मशक्कत कर रही हैं, अधिकारी अभी भी जुटे पड़े हैं पानी आग बुझाने के लिए। शुक्रिया आपका शलराज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तीन मंजिला मकान में नमकीन का गोदाम था और यहाँ पर भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, कानपुर के सुतरखाना स्थित मकान में आग लगी है, उस मकान में नमकीन का गोदाम यहाँ था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि यूपी के रण में छठा चरण महाभीषण क्यों है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा सीट पर भी चुनाव हो रहा है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री योगी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। के बख्श जी हैं, सलाहकार हैं, संपादक हैं, और प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ में, वीरेन भट्ट जी हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है। के बख्श जी के पास चलते हैं। बख्श साहब, आप बताइए, आज का चरण महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात यह कि अब चुनाव अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, काफी कुछ तस्वीरें जो हैं वो स्पष्ट होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही 22 का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया और आज गोरखपुर शहर सीट से ही वो चुनावी मैदान में है, वहां पर भी वोटिंग थी। तो किस लिहाज से आप देखते हैं गोरख आज के इस छठे चरण को? निश्चित तौर पे एक सिर्फ एक चरण, सातवां चरण बाकी रह गया, अंतिम चरण भी कह सकते हैं, एक चरण को छोड़ के अंतिम चरण है। और ये भी सच है कि मुख्यमंत्री योगी नाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा, मुख्यमंत्री योगी नाथ पहले चार बार सांसद भी रह चुके हैं और काफी गोरखपुर के मठाधीश भी हैं और उनकी काफी वहाँ मान्यता भी है, लोग उनको मानते भी हैं, उन्होंने गोरखपुर नहीं आसपास के जनपदों में काम किया है, तो उनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य जगहों पे भी कई लोग सपा से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए भी करहल की तस्वीर महत्वपूर्ण है। ये चुनाव तो महत्वपूर्ण है कि दो दो मुख्यमंत्री एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, कई मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और दो विधानसभा अध्यक्ष भी, नेता प्रतिपक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अभी इसका फैसला 10 तारीख को होगा, कूट किस करवट बदलेगा। और योगी अभी तक के जितने चुनाव हुए, छठे चरण का चुनाव हो रहा है, ये कहा जाता है कि योगी के प्रभाव वाले क्षेत्र हैं, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे बस्ती हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे गोरखपुर खुद हो, महाराजगंज हो, और जिस आसपास के जिले हैं उसमें योगी का प्रभाव है। इसमें योगी अपने प्रभाव का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना भुना सकते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा, 10 तारीख में इसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, 10 तारीख के साथ ही तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। प्रमोद गोस्वामी जी के पास चलते, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आप बताइए, क्या लगता है इस बार किस करवट उठेगा? बिल्कुल प्रमोद जी, आपसे जवाब लेंगे इसका, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को चंदौली लेकर चलते हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इसी बीच क्या कुछ कह रही है वो अपने दर्शकों को सुनाता है। तो चंदौली चलेंगे, वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां
छठे चरण के तहत वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सातवें चरण का प्रचार प्रसार भी जोर शोर के साथ हो रहा है। नहीं मिला, ठीक है, तो महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, मेरे किसान भाइयों छुट्टा जाने हो, बड़ी समस्या है आपके लिए, आपको उपज की दाम नहीं मिल रहा, सही है ये? सही बात है, किसान कितने हैं यहाँ, बड़ी बड़ी समस्या है आपकी भी, और मेरी बहनें आप महंगाई का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही के कंधों पर है, घर संभालती हैं, खेती में काम करती हैं, घर पे जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी देखभाल करती हैं, तो मुख्य तौर से मैं ये कह धान नहीं खरीद रहे, किसान बहुत परेशान है, और जो छोटे दुकानदार छोटे व्यापारी हैं वो भी परेशान है, वो भी कमा नहीं पा रहे हैं सरकार की नीतियों से, तो महंगाई बेरोजगारी जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी छोटे दुकानदार उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं, सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है हा? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, चलो ये मैं ये दरवाजा छोड़ देता हूँ, मैं उसके घर चले जाता हूँ, पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती, ठीक है। तो जो छुट्टा जानवर आपका खेत चलता है तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है, ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है, या ये कौन सी जाति का खेत है भाई, कि मैं इसको चरूं या ना चरूं, कि चले जाता है, चले जाता है, नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इसमें सिर्फ एक धर्म एक जाति के लोग चलेंगे, नहीं लिख सकते ना, मान लो अगर सड़क बन जाती है, अगर बिजली के तार लगते हैं तो क्या वो तार कहीं किसी के घर पे पहुंच कर घूम जाते कि भाई इस धर्म के घर में हमें नहीं जाना, हम तो दूसरे घर में जाएंगे, क्या बोलता है तार ऐसे? नहीं ना, बिजली का तार है सब जगह जाता है, उद्योग लगता है तो उद्योग के दरवाजे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि भाई सिर्फ इसी धर्म के लोग काम करेंगे यहाँ और दूसरों को नहीं काम देना हमें, नहीं होता ना ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? तो चुनावी प्रचार प्रसार लगातार जारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से सातवें चरण की तैयारी की जा रही दिग्गजों की ओर से, वो भी काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। और आज हम छठे चरण को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रमोद जी, आपसे मैंने सवाल किया था कि आखिर अगर इस बार की बात करें तो इस बार आपको क्या लगता है जो ऊंट है चुनावी वो किस बैठने वाला है? गर्मा जी, राजनीति में कब क्या होगा, क्या ऊँट किधर बैठेगा, इसकी बहुत आधिकारिक रूप से तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन चुनाव रोचक है और इस बार राजनीतिक और चुनावी समीकरण भी बदले हुए हैं। जहाँ पहले त्रिकोणात्मक चतुष्कोणीय होता था, इस बार मुझे लगता है कि बाइपोलर चुनाव की वजह से सीधा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और सपा गठबंधन के बीच ये चुनाव चल रहा है। और बाकी इश्यूज भी हैं, तो जहाँ किसान की समस्याएं हैं तो पश्चिम में किसान ने समीकरणों को गड़बड़ाया है, आप महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को, गरीबों को, आम मध्यम वर्ग को महंगाई ने से त्रस्त है, परेशान है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी स्थिति में चुनाव किस करवट बैठेगा, मुझे लगता है कि दोनों के बीच, चूँकि बाइपोलर है, जो निर्णय तो इन दोनों के सपा और भाजपा के बीच ही होना है, और बड़े कांटे की और बड़े टक्कर की स्थिति है।
अब ये तो 10 को पता लगेगा कि क्या होगा, लेकिन अगर राजनीतिक सब 17 को क्यों कंपेयर करें तो 17 के हिसाब से अगर पश्चिम में गरिमा जी जाएं तो वहाँ समीकरण और ये सब थे और बाइपोलर नहीं था, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अब आप अगर इधर पूरब में आ जाइए तो यहाँ के जो जातीय समीकरण थे वो जातीयकरण समीकरण 17 में, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो पटेल हो, ये सारे समीकरण जो भाजपा ने बना रखे थे वो सिमटे हैं और सपा गठबंधन की तरफ आए हैं। तो इसलिए चुनाव रोचक भी है, और इसमें अगर उन आंकड़ों के हिसाब से अगर 17 को देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। जो पहले की स्थिति वो स्थिति नहीं है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का अगर ये देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाभप्रद ये चीज़ है, जहां जातीय समीकरण अगर उसको बिगड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वहीं पर जो वहां के माफिया हैं, वहां के जो बड़े बड़े चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, आतिक हों, विजय मिश्रा हूँ, बाकी और उमा शंकर यादव जो ब्रदर्स रहे हैं वो रहे हों, उन लोगों पर सरकार ने नकेल कर्री कसी है, और उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका एक लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि चुनाव गरिमा जी बहुत महत्वपूर्ण है, रोचक है, और बहुत नेक टू नेक चल रहा है, उसमें कहां कौन चित होगा ये तो दस्तावेज। बिल्कुल, यानी इस बार मुकाबला आपको भी कड़ा नजर आ रहा है। अभी आपने कई अहम बातें कही, आपने कहा कि मुख्य मुकाबला जो है वो आपको भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी गठबंधन के बीच में नजर आ रहा है, लेकिन ये बात इन दोनों ही पार्टियों के लिए फायदेमंद साबित है या फिर नुकसानदायक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार कोशिश कर रही है, बीएसपी ने सभी ऊपर चुनाव लड़ रही है, और हम देख रहे हैं मायावती जिस तरह से जिन तेवरों के साथ में उतरी हुई है, ऐसा लग रहा है कि उनके पक्ष में भी वोट जो है वोटर्स वोट करेंगे, क्योंकि बीएसपी का एक पक्का वोटर है, कोर वोटर है, जो उसका साथ नहीं छोड़ता है। इसको लेकर हम वीरेन भट्ट जी से उनकी राय जानेंगे। वीरेन जी आप बताइए, राजनीतिक विश्लेषक है, आपको क्या लगता है, क्योंकि मुख्य मुकाबला सबको ही लगभग बीजेपी और समाजवादी गठबंधन के बीच ही लग रहा है, तो कांग्रेस और बीएसपी जो सबसे ज्यादा वोट खींचेंगे, ये इनका क्या रोल होगा इस बार के चुनाव में? आठवां और सातवां फेज जो है वो केवल इसलिए नहीं है कि वो ये दो अंतिम फेज हैं, ये फेज इस बार के लिए निर्णायक होंगे कि 2014 में, 2017 में, 2019 में जिस रणनीति पे चलकर जिस नए सामाजिक गठबंधन गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटा दलित का जो सामाजिक समीकरण जो बीजेपी ने बनाया था और 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 शानदार सफलता हासिल की थी तीनों चुनाव में, 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में, 17 के विधानसभा चुनाव में, अब इसी गठबंधन में बीजेपी के इसी समीकरण में दरार आई है, और जनवरी में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने, दारा सिंह चौहान ने और सहारनपुर के धर्म सिंह सैनी ने पार्टी को छोड़ा, मई 2019 में ओम प्रकाश राजभर छोड़ गए थे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, ये चार बड़े गैर यादव पिछड़े नेता बीजेपी छोड़ गए हैं, तो अब और ये चारों ने अब समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया है, और पिछले जिन मैंने तीन चुनाव की बात की जो रणनीति बीजेपी की थी वही रणनीति अब समाजवादी पार्टी ने अपनाई है, और उसके यंगों का वोट का टिकट कम करके अब अति पिछड़ों को ज्यादा महत्व देना शुरू किया है, और उनके टिकट की संख्या बढ़ाई है, उनको एकोमोडेट किया है। हालांकि वो कई जगह ऐसा भी है कि जो जो उसके सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, वो सपा के सिंबल पर ही लड़ रहे हैं, और अपना दल कबीरावादी से भी सपा का अलायंस है, और चंदौली बनारस में जनवादी पार्टी के संजय चौहान से अलायंस है, तो अब ये देखना होगा कि ये कि क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी को उसका लाभ होता है या बीजेपी को इसका नुकसान होता है। केवल एक बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी ने जिन दलों से नया गठबंधन किया है, सुहेल देव राजभर से या जनवादी पार्टी से या अपना दल कबीरावादी से, इन तीनों पार्टियों के पास कोई प्रूवन लीडरशिप नहीं है, कोई इन्होंने पिछले 2-3-4 चुनाव में कोई सफलता के झंडे गाड़े हो, कोई चुनाव जीता हो, ऐसा कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। वही जो अपना दल सुहेल पटेल ग्रुप की नेता हैं, जो अनुप्रिया पटेल जो इस समय केंद्र में राज्य मंत्री हैं,
उनके पास एक प्रूवन लीडरशिप है। 2014 में उनके 2013 में उनके 2 सांसद जीते, 2017 में उनके 13 विधायक जीते, 2019 में भी उनके 2 विधायक जीते। तो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 चुनाव का जो सफल जातीय समीकरण जो उसने बनाया था, क्या उसमें दरार आई है? ये 6वें 7वें फेस में सामने आ जाएगा। क्या समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजी के आधार पर वही रणनीति अपनाई और अति पिछड़ों से उसने हाथ मिलाया? क्या समाजवादी पार्टी को उसका लाभ होगा? ये 6वें 7वें चुनाव के फेस में सामने आएगा। और दूसरी बात, 2017 में पहले 5 फेस में भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिल चुकी थी और उसको इन 2 फेस में करीब जो है 72 सीटें मिली थी। तो क्या सीटें कुछ कम आएंगी? तो ये कुल मिलाकर के ये केवल 22 का चुनाव ही नहीं तय करेगा, ये आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल, यानी 22 का असर कहीं ना कहीं 24 पर भी पड़ेगा। 22 के नतीजे, दिशा और निर्देश जो है वो वहां पर भी देते हुए नजर आएंगे। जी वीरेन जी, आगे भी आपकी राय जानेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को हम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण की बात करें तो 53.31% मतदान 5 बजे तक हो सका है। 5 बजे तक के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं। अम्बेडकर नगर में 5 बजे तक 58.6% मतदान, बलिया में 51.81% मतदान 5 बजे तक के आंकड़े आपको हम बता रहे हैं, और बलरामपुर में 5 बजे तक 48.53% वोटिंग हो सकी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। बस्ती में 5 बजे तक 54.24% मतदान हुआ है। तो यूपी केरल में 6ठे चरण के तहत आज वोटिंग और ये 5 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। देवरिया में 5 बजे तक 51.50% मतदान, गोरखपुर में 5 बजे तक 53.89% मतदान पूरा हो चुका है। बस्ती में बात करें तो बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। कुशीनगर में 5 बजे तक 55% मतदान हुआ है और महाराजगंज में 5 बजे तक 57.38% मतदान हो सका है। तो आज हम लगातार बात कर रहे हैं यूपी के रण को लेकर, क्योंकि आज 6ठा चरण बेहद महत्वपूर्ण, और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए हैं। के बक्स जी के पास चलते हैं। बक्स साहब, आप बताइए जल्दी से, वक्त कम है, सबकी छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया। आपको क्या लगता है कि 6ठे चरण तक लोग कहते हैं कि मुद्दे जो है वो किनारे हो जाते हैं, सिर्फ चेहरों पर और समीकरणों पर वोटिंग होने लगती, क्या ये सच है? बिल्कुल गरिमा, ये आपने सही कहा कि इसमें मुद्दा इसमें नगण्य है और मुद्दे के न तो मतदाता कोई ध्यान दे रहा है न वो रहा। अब किस मतदा किस उम्मीदवार ने या कौन उम्मीदवार खड़ा है जो उस क्षेत्र का उस वर्ग का भला कर सकता है, उसी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। ठीक है, और चेहरे पे भी वोट पड़ रहा है, जैसे कि योगी के चेहरे पे वोट पड़ रहा है, तो ये नहीं है कि अखिलेश के चेहरे पे वोट नहीं पड़ा, अखिलेश के यादव वोट पूरा। और जहां तक मायावती की बात, अभी बात हो रही थी, मायावती का भी वोटर साइलेंट है, मायावती के वोटर साइलेंट है। और जो अभी अमित शाह जी ने मायावती की बड़ाई की, मायावती को वो किया अंतिम दौर पे चुनाव, जब पूरे टिकट का वितरण होता है अंतिम समय, मायावती ने 6 टिकट बदले और उससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कुल मिला के चेहरों पे मुद्दे तो इसमें कोई मान ही नहीं रहा है। मुद्दे अगर मानते हैं तो महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। आप जहां तक कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, अब जो फ्री वाला जो मुफ्त खोरी वाला कार्यक्रम चला है, ठीक है, ठीक है, यानी अरविंद केजरीवाल की पहल के बाद अब फ्री वाली बात सब करने लगे। ठीक है बक्सा, वक्त की कमी है थोड़ा हमारे साथ में। प्रमोद गोस्वामी जी भी, उनकी एक राय जान लेते हैं। प्रमोद जी आप बताइए, क्योंकि अभी बक्सा आप कह रहे थे कि मायावती का जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति दिखाया अमित शाह ने उनकी तारीफ करके, हालांकि मुख्यमंत्री योगी लगातार कहते रहते हाथी का पेट बहुत बड़ा है, वो सारा राशन खा जाता था। क्या लगता है कि अब जब पोस्ट पोलिंग के बाद कुछ अगर ऐसी कोई संकट की जरूरत पड़ती है कुछ, तो क्या मायावती साथ देंगी भारतीय जनता पार्टी का? प्रमोद जी, ये केवक जी ने सही कहा कि उनका मतदाता निश्चित रूप से बहुत मुखर होके नहीं बल्कि साइलेंट है, ये बात सच है। लेकिन ये भी एक बात, ये भी सच है कि मायावती का जो वोट बैंक था उसमें सेंधमारी हुई है। मुझे कई जगह से रिपोर्ट ये भी मिली है के कुछ दलित वोट जो समाजवादी पार्टी से कभी नहीं जुड़ा रहा
वो जो दलित समाज के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, प्रमुख सचिव स्तर के हैं, वो अब रिटायर हो गए. उनसे मेरी एक दिन बात हुई तो वो ये बात कह रहे थे कि अब की ये एक अलग या बदली हुई राजनीति है कि कुछ दलित भी प्रतिशत जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है. तो कहीं ना कहीं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 4-5-6 वर्षों से बराबर दलितों के ऊपर काम कर रही थी, उसको भी मिलेगा. तो कहीं ना कहीं इन टोटल चीजों को अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति या जो उसका वोट बैंक था वो खिसका है. बाकी और कोई समीकरण बने नहीं है और जो उसके पास अलावा और कोई वोट बैंक है नहीं. दूसरी बात जो आपने कही कि क्या चुनाव के बाद अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो बसपा का क्या रुख होगा, वो किसका समर्थन कर सकती है. तो निश्चित रूप से अगर आप देखें तो मुझे तो लगता है कि अगर कोई पहली स्थिति होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी से उसकी निकटता ज्यादा रही है. 2-3 बार वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, उसकी मदद से सरकार भी बना चुकी है. तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई चीज होती है तो मुझे लगता है अगर वो चीज में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है तो वो उसका रुख कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इधर होगा. तीसरी बात जो आपने कही कि जो कांग्रेस और सपा की, तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से पिछले 3 दशकों से कांग्रेस जो है वो उसका संगठनात्मक ढांचा बिल्कुल लचर हो गया था. प्रियंका गांधी के आने के बाद उसमें जान फूकी है, उसके कार्यकर्ता एक्टिव हुए हैं, प्रियंका खुद एक्टिव हुई हैं. और ये बात भी सच है कि ये जो मुझे ये लगता है कि जो प्रियंका गांधी ने या कांग्रेस ने जो 22 के चुनाव में एक मेहनत करने की या उसको अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के लिए उसका लक्ष्य जो है वो कांग्रेस के लिए 2024 है. बिल्कुल, यानी 24 की तैयारी, 24 की तैयारी ही कहीं ना कहीं 22 के चुनाव में भी प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई हैं. वक्त की कमी, हमें आज यहीं पर रुकना पड़ रहा है. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए. तो यूपी केरल में 6ठे चरण के तहत आज मतदान हो रहा है और बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं जब यहां पर वोट खत्म हो जाएंगे. और वोट आज 6ठे चरण के तहत डाले जा रहे थे जिसमें आपको बता दें कि 10 जिलों के 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही थी. और आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत मतदान हो रहा था. आज का चरण भी बेहद खास था. अब सिर्फ और सिर्फ एक चरण बचा हुआ है जिसे 7वें चरण कहते हैं और उसके बाद नतीजों की घड़ी बेहद पास. तो आज फिलहाल इतना ही. आप देखते रहे के न्यूज इंडिया. नमस्कार.